ब्रजभूषण शरण सिंह ने महिला पहलवानों के आरोपों का अभी तक बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया है, लेकिन महिला पहलवानों ने उनके सामने नार्को टेस्ट की मांग रखी हुई है, जिसको लेकर हर कोई अभी तक चुप्पी साधे हुए है कि क्या नार्को टेस्ट होता नजर आएगा या सिर्फ यहाँ पर महिला पहलवानों के द्वारा उठाया गया ये एक बड़ा मामला है। सवाल कई सारे हैं, लेकिन इस बीच ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी कोई कम जवाब नहीं दिए। समय समय पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने महिला पहलवान जो भी उन पर आरोप लगाती नजर आई, उन आरोपों का खंडन करते नजर आए, उन आरोपों को झुठलाते नजर आए और कुछ तो सबूत देते नजर आए। मतलब आप खुद देखिए कि महिला पहलवान जो धरने प्रदर्शन पर बैठी हैं, उन्होंने कई आरोप लगाए, लेकिन उनके पास कोई बड़ा सबूत नहीं है, जो कि कॉल या फिर मैसेजेस या कुछ ऐसा कोई बड़ा सबूत नहीं है, या ना चश्मदीद गवाह। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के पास सबूत है। वो कह रहे हैं कि मेरे पास बजरंग पुनिया का ऐसा ऑडियो कॉल है जिसमें बजरंग पुनिया साफ कह रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द एक ऐसी लड़की चाहिए जो यहाँ पर ऐसे आरोप लगा सके। तो उनका ऑडियो क्लिप कह रहा है कि मैंने पुलिस को दर्ज कराया, और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि आप पहलवानों का अगर आप धरने प्रदर्शन का टाइमिंग देखें, पहले जनवरी में बैठे ये लोग, जनवरी में इनकी मांग थी कि ब्रजभूषण का इस्तीफा होना चाहिए। माना कि मैं चलो इस्तीफा दे देता उस वक्त भी, लेकिन मैं आरोपी नहीं हूं तो मैं इस्तीफा देने को तैयार भी नहीं हुआ। फिर इसके बाद यहां पर ब्रजभूषण ने इन महिला पहलवानों पर आरोप लगाते हुए इनका पर्दाफाश ये किया कि ये जो आरोपित हैं कहीं ना कहीं ये झूठे आरोप लगा रहे हैं, और जो तस्वीरें मीडिया पर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें एक में साक्षी मलिक ब्रजभूषण शरण सिंह के बहुत क्लोज नजर आ रही है, एक में विनेश फोगाट साफ तौर पर ब्रजभूषण शरण सिंह के नजर आ रही है, साक्षी मलिक की शादी में ब्रजभूषण शरण सिंह नजर आ रहे हैं। ब्रजभूषण ने ये तक कहा कि साक्षी मलिक और विनेश फोगाट इन दोनों को और साथ ही साथ बजरंग पुनिया को इससे पहले कोई दिक्कत नहीं थी, ये हमारे घर पर आया जा करते थे। और बजरंग पुनिया की कुछ तस्वीरें भी है जिसमें ब्रजभूषण शरण सिंह की पत्नी नजर आ रही है, और जन्मदिन का शायद कोई माहौल है, वहां पर बजरंग पुनिया नजर आ रहे हैं। तो इन्होंने पर्दाफाश कुछ सबूतों के साथ किया, यानी तस्वीरें, ऑडियो क्लिप और फोन की डिटेल की देख लीजिए, मेरे पास तो कोई ऐसा बड़ा सबूत यहाँ पर आपको मिलेगा नहीं। तो इस मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह अभी तक फ्रंट से लीड कर रहे हैं, उनके पास सबूत है, उनके पास यहाँ पर कई सारे ऐसे गवाह देने वाले तैयार हैं जो उनके समर्थन में गवाही दे देंगे कि हाँ ऐसे नहीं करते। जैसे उनके कहीं ना कहीं घर के रखवालों ने कहा कि ब्रजभूषण यहाँ पर आते थे अकेले आते, तो कोई महिला पहलवान नहीं आती, जबकि विनेश ने कहा कि ब्रजभूषण लखनऊ में कैंप जबरदस्ती लगाते थे क्योंकि उनका घर लखनऊ में था। तो ये सारे आरोप कहीं ना कहीं बाजी पूरा पलट रहे ब्रजभूषण शरण सिंह, लेकिन देखते हैं कि सच्चाई की अगर जीत होती तो सब महिला पहलवान फंसती है या ब्रजभूषण। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।